नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय, आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो डोमाल विंडोज हैं उसमें किस टाइप के लॉक्स लगते हैं, रेगुलर विंडोज में कौन से लॉक लगा सकते हैं, या फिर केसमेंट विंडोज में क्या लॉक्स लगते हैं। कुछ मुझे ये भी क्वेश्चन आया है कि क्या जो डोमाल के लॉक्स हैं वो हम रेगुलर विंडोज में यूज कर सकते हैं कि नहीं, या फिर जो रेगुलर विंडोज के लॉक्स हैं उनको हम डोमाल में यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने इन सब क्वेश्चंस को मिला के सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिससे आपको डोमाल विंडोज में और रेगुलर विंडोज में और केसमेंट विंडोज में क्या क्या लॉक्स लगते हैं ये आपको पता चले, और ये भी आपको पता चले कि क्या डोमाल के लॉक्स रेगुलर में लग सकते हैं कि नहीं, या रेगुलर जो रेगुलर विंडो के लॉक्स डोमाल में लग सकते हैं कि नहीं। और मैं ये तीनों ही विंडो के जो लॉक होंगे उनके मैं प्राइजेस भी बताऊंगा, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। तो इससे क्या है कि आपको पूरी डिटेल मिलेगी, आपको एक एक जो बारीकी है वो सारी चीज़ें आपको इससे पता चलेगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। मैं तो ऐसा तो शायद नहीं होगा कि तुरंत मैं उसका आंसर कर दूं, लेकिन जरूर मैं एक दिन में 24 घंटे के अंदर उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं एल्यूमिनियम विंडो लॉक्स की। तो ये जो लेफ्ट से पहला लॉक रखा हुआ है ये है रेगुलर स्लाइडिंग विंडोज का लॉक। फिर ये जो बीच में जो लॉक रखा हुआ है ब्लैक कलर का, ये केसमेंट विंडो का लॉक है, यानी कि ओपनेबल विंडो का लॉक है। और जो ये तीसरा लॉक रखा हुआ है ये डोमाल विंडोज़ का लॉक है। अब इन तीनों लॉक्स में जो रेगुलर विंडोज़ का लॉक है इसमें कलर के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ये वाइट है, वाइट एक अवेलेबल है, ब्लैक अवेलेबल है, फिर ब्राउन अवेलेबल है, डार्क ब्राउन, और शैम्पेन अवेलेबल है, ग्रे अवेलेबल है। बाकी ये जो केसमेंट विंडो वाला जो लॉक है इसमें ब्लैक और वाइट से अवेलेबल होता है, और जो डोमाल विंडो वाला लॉक है ये भी सिर्फ ब्लैक और वाइट में अवेलेबल है। एक्चुअली ये जो लॉक्स हैं ये अच्छे क्वालिटी वाले लॉक्स हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो और भी ऐसे लॉक्स आते होंगे जिनके अलग कलर्स भी मिलते हैं, कुछ मैं केसमेंट विंडो के भी थोड़े सस्ते वाले लॉक आते हैं जिनमें आपको थोड़े अलग कलर्स मिल जाते हैं, और इसमें भी डोमाल वाले में भी थोड़े सस्ते वाले लॉक आते हैं जिसमें थोड़ा अलग कलर मिल जाता है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी वाले लॉक हैं। जैसा कि आप डोमाल के लॉक देख रहे हैं तो उसमें की का भी सिस्टम है, आप उसको की से भी लॉक कर सकते हैं, तो वो चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी वो अच्छा है। तो हम अभी इस वीडियो में हम एक एक लॉक के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर लॉक से। तो ये जो लॉक है वो रेगुलर एल्यूमिनियम विंडो सेक्शंस में यूज़ होने वाला लॉक है। अब इसमें कलर्स तो मैंने आपको बता दिए क्या क्या आते हैं, इसमें साइज़ भी आता है, एक स्मॉल साइज़ आता है और एक बिग साइज़ आता है। इसको कंसील हैंडल लॉक भी बोलते हैं, ये कंसील हैंडल का भी काम करता है और लॉक का भी काम करता है। ये जो लॉक है इसकी खासियत ये भी है कि ये जो लॉक है वो मेटल का है, ये पूरा जो लॉक है ये एल्यूमिनियम का लॉक है, और इसके ऊपर पाउडर कोटिंग होती है, जो कलर होता है कोटिंग वो पाउडर कोटिंग होता है, पाउडर कोटेड होता है। बाकी इसमें स्प्रिंग सिस्टम होता है, तो आप देख रहे हैं कैसे इसको पुश करके ये पुश करते हैं तो नीचे जाता है और फिर अपने आप स्प्रिंग से ये ऊपर आ जाता है। अब इसमें जो ये जो हुक है ये यही हुक होता है, जो लॉकिंग होती है वो इसी हुक से होती है, इसके अंदर, ये कुंडी के अंदर आप देख रहे हैं जो ये नोज़ जैसा, नाक जैसा जो निकला हुआ है, तो वो जो हुक है वो नाक में जाके फंस जाता है। ये जो है वो पैकिंग होती है। अब ये पैकिंग को हम इसके पीछे लगाते हैं, कुंडी के पीछे लगाते हैं, फिर इसमें क्या होता है कि जब हम अगर हमको विड्थ है जो डेप्थ का जो एडजस्टमेंट करना होता है सेक्शन के ट्रैक के डेप्थ का, तो वो पैकिंग से करते हैं। फिर ये देखिए जब हम बंद करते हैं तो इस तरह से आके वो इस तरह से फंस जाती है, जो हुक है वो इस तरह से फंस जाता है, और फिर जब हम स्प्रिंग से जब उसको नीचे करते हैं तो वो इसको छोड़ देता है, तो जब इसको छोड़ देता है तो लॉक खुल जाता है और फिर अपने आप स्प्रिंग से ये वापस ऊपर चला जाता है। तो बेसिकली बहुत सिंपल मैकेनिज्म है इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर, लेकिन ये सिस्टम जो है वो काफ़ी ड्यूरेबल है और प्रूवन सिस्टम है। तो अगर आप लॉक ले रहे हैं रेगुलर स्लाइडिंग विंडो के लिए तो ऐसा ही लॉक लीजिए। अब ये जो लॉक है वो है केसमेंट विंडो का लॉक। तो ये हैंडल कम लॉक है, ये मोर्टाइज हैंडल जैसा लॉक होता है।
अब ये जो है ये क्लोज्ड पोजीशन है जो, और ये ओपन पोजीशन है। अभी जो अगर इसको घुमा देते हैं तो ये ओपन पोजीशन होती है लॉक की। अब इसमें भी बहुत बेसिक, इसका खोलना और बंद होना बहुत बेसिक ये है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक ये निकला हुआ है, हैंडल का जो भाग निकला हुआ है वो हुक में जाके फंस जाता है। तो ये जो है हैंडल जो है, ये हैंडल, ये जो हुक है इसके अंदर फंस जाता है। जब आप उसको घुमा देते हैं तो इसके अंदर आके वो फंस जाता है। तो उस बहुत सिंपल मैकेनिज्म है लॉकिंग का। तो ये फ्रेम के ऊपर लग जाता है जो हुक है, और हैंडल जो है वो शटर के ऊपर लग जाता है। तो आप शटर को इस हैंडल के ज़रिए आगे खींचते हैं और फिर घुमा के इसको लॉक कर देते हैं। अब क्या होता है कि फ्रेम के हिसाब से आपको पैकिंग देनी पड़ती है, लॉकिंग की एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये पैकिंग आती है साथ में, इसको लॉक के पीछे जितनी पैकिंग चाहिए उतनी पैकिंग लगा के आप इसको हुक को जो है वो आप फ्रेम के ऊपर टाइट कर सकते हैं। फिर आप उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं कि मतलब लॉक जो है वो अच्छे से आके इसके अंदर बैठ जाए। अब इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि इसमें स्क्रूज जो हैं, जैसे कि आप फ्रेम में स्क्रू लगाएंगे और अगर वो स्क्रू दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो स्क्रू करके आप उसको इस कवर से आप उसको ढक सकते हैं, तो ये आराम से कवर हो जाता है, तो आपको स्क्रू नज़र नहीं आता है। यही सेम चीज़ जो है वो आपका हुक में भी होता है कि आप स्क्रू टाइट करके ऊपर से आप ये कवर लगा देते हैं तो अंदर का जो स्क्रू का जो भाग होता है, जो मेटल का पार्ट, वो नहीं दिखता है। तो इस तरह से इसमें क्या है कि स्क्रूज जो है वो एकदम विजिबल ही नहीं होते इस टाइप के लॉक्स में। अब बात करते हैं डोमाल के लॉक्स की। तो ये डोमाल का भी कंसील्ड हैंडल लॉक होता है। तो कंसील हैंडल लॉक होता है। अभी इसमें विद की वाला भी आता है, विदाउट की वाला भी आता है, बट हम ज़्यादातर की वाला यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें चाइल्ड सेफ्टी भी होती है। आप देख सकते हैं इसमें, और ये भी स्प्रिंग सिस्टम वाला ही होता है, बट इसमें और रेगुलर विंडो के लॉक में डिफरेंस ये होता है कि आप जैसे कि इसका हुक देख सकते हैं, तो इसका हुक थोड़ा अलग होता है रेगुलर विंडो के लॉक से। और इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग सिस्टम ही होता है, लेकिन आपको लॉक करने के लिए आपको नीचे दबाना पड़ता है, और आपको जब ओपन करना हो तो इसको ऊपर दबाना पड़ता है। और रेगुलर विंडो में क्या होता है कि वो स्प्रिंग सिस्टम होता है, तो आप नीचे दबाते हैं फिर वो अपने आप ऊपर चला जाता है, लॉक हो जाता है, फिर खोलने के लिए आप उसको नीचे दबाते हैं। अब इसकी कुंडी कुछ इस टाइप की होती है जो ट्रैक पर बैठती है, और रेगुलर विंडो की थोड़ी अलग होती है, थोड़ी मोटी सी होती है और नोज टाइप की होती है, वो जैसे नाक होती है उस टाइप की होती है। और ये जो है डोमाल की कुछ इस टाइप की होती है, ये ट्रैक के अंदर स्लॉट करके इसको बिठाया जाता है। और ये क्या है, बेसिकली ये की मैकेनिज्म वाला लॉक है। तो इसमें आप की से आप लॉक कर देंगे तो क्या चाइल्ड सेफ्टी भी आपकी रहती है। तो इसमें क्या है कि चाइल्ड जो है वो उसको खोल नहीं पाएगा। बाकी इसमें भी स्क्रू का एक सिस्टम है कि आप इसको जो स्टील का जो पार्ट दिख रहा है तो वो पार्ट को आप क्या कर सकते हैं कि ये कवर लगा के आप उसको इनविजिबल कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब इंस्टॉल करना होता है तो आपको वो निकालना पड़ता है हुक। तो आप इसको इंस्टॉल करने के बाद में आप ये कवर लगा देंगे तो नज़र नहीं आएगा, तो आपको ये एकदम स्क्रूलेस दिखता है। अब रेगुलर विंडो में स्क्रू नज़र आता है रेगुलर विंडो लॉक्स में। और आप देख सकते हैं कि की से क्या है कि की से इसको आप इजीली लॉक कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन था कि डोमाल के लॉक्स रेगुलर विंडो के अंदर यूज़ हो सकते हैं या रेगुलर विंडोज़ के लॉक डोमाल विंडोज़ में यूज़ हो सकते हैं क्या। तो हाँ, दोनों भी लॉक एक दूसरे के अंदर यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना होता है कि लॉक आप सेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हुक और कुंडी है वो आपको दूसरे लॉक की लगानी पड़ेगी। आपको अगर आप ये वाला डोमाल का लॉक यूज़ कर रहे हैं रेगुलर विंडोज़ में, तो आपको कुंडी जो है वो रेगुलर विंडो की लगानी पड़ेगी उसके अंदर, और हुक भी रेगुलर विंडो का लगाना पड़ेगा। और यही सेम चीज़ डोमाल के लिए भी अप्लाई होती है कि जब इसमें आप रेगुलर लॉक लगाते हैं तो आपको इसके अंदर जो कुंडी है वो डोमाल वाली यूज़ करनी होगी, और हुक भी जो है वो डोमाल वाला यूज़ करना होगा। तो अब बात करते हैं लॉक्स के प्राइजेस की। रेगुलर विंडो का लॉक आपको मिल जाएगा ₹120 का पैर, मतलब ₹120 की जोड़ी मिल जाएगी आपको। केसमेंट विंडो आपको सिंगल पीस मिलेगा, जो आप देख सकते हैं उसके साथ में क्या क्या सामान है इमेज में, वो आपको मिल जाएगा ₹150 या ₹170 का एक पीस। और जो डोमाल स्लाइडिंग विंडो का की लॉक है वो आपको करीब ₹180 या ₹200 का आपको मिल जाएगा, एक पीस मिलेगा।
ये 180 या 200 रुपए में आपको सिंगल पीस मिलेंगे। तो मतलब जो डोमाल के लॉक हैं और केसमेंट विंडो का लॉक है थोड़ा महंगा है, और स्लाइडिंग विंडो का जो लॉक है वो इन दोनों से काफ़ी सस्ता है, क्योंकि आपको ये 120 रुपए में एक जोड़ी मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि डोमाल विंडोज, रेगुलर स्लाइडिंग विंडोज और केसमेंट विंडोज में कौन से लॉक्स लगते हैं और इनके क्या प्राइजेज हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए एल्यूमिनियम विंडोज से रिलेटेड। और अगर आप कोई आपके टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक जो है वो आप कमेंट में आप डाल दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दें।